सभी लोग कितनी दिक्कत हो रही है, सभी लोग अपना अंदर आके अपना ये पैर है ना, पैर धोना पड़ रहा है, ठीक है बात। हाँ बोलो। और पैसेंजर को हम भगवान समझते भी, हमारे पैसेंजर है ये, आज मिले कल को मिले। 3-4 घंटे लेट, रात के 2:10 दोस्तों, जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको लकी जेट गेम के बारे में बताऊंगा, जहाँ से मैं लगातार कुछ ना कुछ पैसे अर्न करते रहता हूँ। आप लोग पूछते ना भाई, आप इतने पैसे कहाँ से लाते हो जो इतनी ट्रैवलिंग करते हो। तो लकी जेट गेम ये वन विन वेबसाइट का गेम है। अब बहुत इजी है, डिपोजिट बहुत इजी में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको भी किसी भी UPI में पेटीएम से कर रहा हूँ, मैंने 3,000 जमा कर दिया है। और बाकी चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं अर्न करता हूँ। तो मैं 3,000 को 2 टर्म में लगाऊंगा, ठीक है, 1500 करके। चलिए, और मैंने लकी जेट को चूज कर लिया, ठीक है। और चलो स्टार्ट। अब ये साइट खुल रहा है, यस यस, ओपन खुल चुका है। चलिए देखिए अब मेरा कैसा लक है, मैं जीतता हूँ या हारता हूँ वो भी आपके सामने दिखाता हूँ। और ये स्टार्ट, और ये लकी जेट उड़ना शुरू हो गया। या 2500, या 3000, या 5625 भाई। और बस, और इसमें सबसे अच्छा क्या है ना, विड्रॉल भी बहुत इजी है। मैं आपको जाके अपने उस पर विड्रॉल उस सेगमेंट में जाना है, वहाँ पे आप अपना UPI डिटेल डाल दीजिए। जैसे मैं पेटीएम से मुझे पैसे निकालने हैं, तो मैंने अपना पेटीएम का पूरा डिटेल डाल दिया। और ये देखिए पूरा पैसे है मेरे, और ये पैसा बहुत ईजी है, आप भी अर्न कर सकते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, इस वन विन वेबसाइट पर विश्वास कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए और इसी मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए, तो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। चलिए जर्नी शुरू करते हैं। पानी से किस तरह लबालब भरा हुआ है, और हर मॉनसून में गंगा जी में पानी का लेवल है ना बहुत ही बढ़ जाता है। तो नमस्ते, श्लामेंट सत्सेकल, और स्वागत है आप सभी का त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के पार्ट 3 में। पार्ट होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी देखें, इंजॉय करेंगे। बाकी पार्ट 1 में जर्नी हुई थी फिरोजपुर से दिल्ली तक की, और पार्ट 2 में आपने देखा होगा दिल्ली से जर्नी हुई थी पाटलिपुत्र पटना, मतलब हम लोग पाटलिपुत्र पटना को छोड़ चुके थे, है ना। एंट्री करके जो मैनेजर साहब है उन्होंने मतलब थोड़ा सा स्पेशल चाय भेजा है। ये कैसा चाय है? ये चाय प्रॉपर अदरक से, अदरक का इसके अंदर प्रॉपर चीनी है, सारा कुछ मिठास, सारी प्रॉपर घर जैसा लग रहा है, घर जैसा चाय है। चलिए थैंक यू। मैं मैनेजर साहब, आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, कल रात में मिले थे, क्या नाम बताया था, सॉरी बट थैंक यू फॉर दिस VIP ट्रीटमेंट। ये शान पड़े, शान पड़े खा लो, शान पड़े।
जी हाँ, बरौनी जंक्शन। बाकी जर्नी की क्या बात करें, जर्नी तो ठीक ठाक चल रही है, बस थोड़ा सा इशू आ रहा है साफ सफाई को लेके। जो हमारा जो वॉशरूम है ना, एक तो कोच पुरानी है और वॉशरूम भी जो है ना नीट एंड क्लीन नहीं है। जो उसका जो बाहर का जो बेसिन है उस पर पानी भरा हुआ है, अंदर भी जो है जो बेसिन के बगल में जो डस्टबिन रहता है वो जो बनाया रहता है जिसका टीन का बोलते हैं मेटल का बनाया रहता है वो भी उस पर पानी किसी ने भर दिया। वो पानी है ना, बैठोगे ना तो वो पानी उछल उछल के इधर आ रहा है। हाउसकीपिंग वालों को हम लोग ने 3-4 बार टोक दिया है और भी बहुत सारे पैसेंजर्स बोल रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है ना। अभी देखिए, अभी बोला कि बार बोल के जा रहा, मैं आता हूँ करता हूँ, अभी देखिए कब तक होता है। भाई साहब, हम लोग जो साफ सफाई की बात कर रहे थे ना, वो बंदा फिर आया था और वो पैसेंजर के साथ उसने गाली गलौज शुरू कर दी। क्योंकि वो पार्ट था बहुत गंदा था, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। बाकी जो भी था वो मतलब विश्वास नहीं हो रहा भाई किस तरह से वो बंदा बिहेव कर रहा था। ट्वीट किया, बहुत सारा कंप्लेन गया, तो मैंने उसका जो मैनेजर था मैनेजर उसको लेके आया और मैनेजर किसी से माफ़ी मांगा। ये देखिए, ये बंदे से मैंने क्या पूछा बताओ, पहले मैंने इसको क्या गाली दी या क्या दिया इसको? मैंने इसको बोला सुबह से बाथरूम और वॉश बेसिन सब गंदा है जी सर, ठीक है आप, मैं नहीं, आप इन लोग से पूछ लो भाई गंदा है जाम है ये गंदा, चलिए मेरे बगल में आप ये पूछ लो, ये आप आ जाओ ना जी सर, नहीं सर आपको सुबह से बाथरूम और बेसिन जाम है कि नहीं है? सभी लोग कितनी दिक्कत हो रही है, सभी लोग अपना अंदर आके अपना ये पैर है ना पैर धोना पड़ रहा है, ठीक है बात। हाँ बोलो, और ये इतनी गर्मी में, ये लड़का इतनी गर्मी में बात कर रहा है, आप इसके दोस्त है ना पार्टनर से पूछो, ये गाली गलौज पे आ गया, ये गाली गलौज कर रहा है। देखो पैसेंजर अपना भगवान रहता है, अरे भगवान मानो नहीं मानो यार, हमने पैसे दिए हैं, हमें सुविधा चाहिए, ठीक है हमें सुबह से अभी कितना टाइम हो रहा है, सुबह से बाथरूम का पानी वॉश बेसिन में ऐसे भरा हुआ था और जो भी जाता ना गिर रहा था सर पे कपड़े पे आ रहा था। देखो इसलिए मैं अरे भाई तेरे को उस लड़के ने 4 बार बोला है, उस लड़के ने तो 4 बार बोला कि नहीं बोला, बोल टोका कि नहीं, तू बार बार ये बोल रहा कि आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ करके, आ रहा हूँ मैं उधर करके आ रहा हूँ, तो तूने क्या बोला? अभी करता हूँ ना, अभी तक टेस्ट में क्यों बात कर रहा हूँ, इतनी गर्मी की बात कर रहा हूँ, फिर तूने गाली गलौज में शुरू की, गाली गलौज दी, गाल नहीं मैं कड्डी का दे रहा हूँ, नहीं तो तूने क्या बोला, ये क्या बैंडी क्या होता है, क्या सी तुझे, किसको किसको कहा था तूने बैंडी, लड़के को दूसरे लड़को बैंडी कहा? चलो ऐसा सुनो मेरी बात, सुनो छोटू, ओ छोटू बात सुन मेरी, नहीं ये गर्मी में थोड़ा जैसे ये बात कर रहा था ना, ये हमें जानो तो क्या है ये, ये आपने इसको वर्दी पहना दिया, चल भाई तू ट्रेन में चल अपना वो कर ले, चलो ऐसा, ये बंदा फिरोजपुर चढ़ा है, फीडबैक लेना है, फीडबैक कब लिया जाता है? आप तो वो तो पता भी अपना जब सर्विस के बाद होता है, जब 1-2 दिन के बाद है ना फीडबैक लिया जाता है, ये 4 घंटे 2 घंटे भी नहीं ट्रेन खुले हुए फीडबैक लेने आया था, किस बात का फीडबैक देगा आदमी भाई, तो ये भी नहीं मालूम फीडबैक कब लिया जाता है, अब बोलने पे तमीज सिखा रहा है, हमें तमीज सिखा रहा है। चलो ऐसा सुनो मेरी बात छोटू, देखो ये अपने पैसेंजर है, मैं नहीं, आप कितनी से पूछो ना, कोचे 72 पैसेंजर्स है यही बोलेंगे। रजनीश कुमार जी है, ये हाउसकीपिंग के मतलब साफ सफाई का, नहीं सर जी मैं अटेंडर हूँ गाड़ी का। अच्छा आप गाड़ी का अटेंडर है? हाँ। अच्छा अच्छा, देखो ये बच्चे कोई हो जाता है, मेरे सारी उम्र के हिसाब से मेरे पास आते हैं, काका ये तकलीफ हो गया है तो थोड़ा सॉल्व करा दीजिए। देखिए मैंने उनसे पूछ, अब सामने खड़ा है और भी लोग, मैंने क्या बोला भाई वो देख ले, एकदम रिएक्ट ऐसे करके बोला ना, अरे देख लेना अब तक गर्म होकर क्यों बात कर रहे हो, ऐसे लाउड होकर वॉल्यूम करके लाउड होकर, तो भाई मैं क्या आप मेरे, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ या मुझे मुझे खिला रहे हो या मैं आपकी बात क्यों सुनूं? हमें तो 18-20 साल हो गए गाड़ी के अंदर लैंड चलते हुए, पैसेंजर को हम भगवान समझते भी, हमारे पैसेंजर हैं ये, आज मिले कल को मिले ना मिले हम लोगों को ये। बाकी वो जो भी सफाई कर्मी थे ना उन्होंने पे लगता हल्का नशा तो किया हुआ था और हल्की हल्की दारू की मतलब दारू की बदबू भी आ रही थी क्या भाई? हल्की हल्की आ रही थी, बाकी कह नहीं सकते कुछ क्या किया, कुछ तो नशा तो किया था उसने बंदे ने, मुझे तो स्मेल आ रहा था, कुछ तो किया होगा जिसके वजह से वो इतना मतलब यार इस तरह से बात कर रहा था जैसे लगता कि रेल मंत्री है। ट्रेन है ना बरौनी जंक्शन के आउटर पे बहुत देर से लगी हुई है और ठीक सामने देख रहे हैं वॉलीबॉल कोर्ट, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे भाई लोग वॉलीबॉल का भी गेम जस्ट ओवर हुआ है या भी गेम जस्ट शुरू होगा कह नहीं सकते, बाकी देखिए चले भगवान करे इस वजह हमारे बिहार के कुछ बंदे इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करें तो बहुत खुशी होगी, क्या बोलते हो? Thank you.
सामने कोई राजधानी लगी हुई है। चलिए प्लेटफॉर्म को उतरते हैं, देखते हैं कौन सी राजधानी है। और बरौनी जंक्शन में भीड़ देखिए भाई, जा रही है यार। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है जी हाँ बरौनी जंक्शन, लेकिन भाई साहब 3.5 घंटे लेट हो चुके हैं हम लोग भाई। अभी आधी जर्नी समझो भी बाकी है, अभी आगे क्या होगा देखिए। फिलहाल बता दूं यहाँ पे खाने पीने के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे बरौनी जंक्शन के पास। फल में आपको केला, सेब, खीरा मिल जाएगा, और सामने देख ही रहे पपीता है, इधर फूड काउंटर है। यहाँ तक रेलवे स्टेशन की बात करें, इसका स्टेशन कोड है BJU, नौ प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और ये एक बहुत बड़ा जंक्शन भी है। यहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं, आपको समस्तीपुर की भी लाइन निकलती है, हाजीपुर वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, मानसी खगड़िया वाली लाइन पर आगे बढ़ जाएंगे, मोकामा होते हुए पटना की भी लाइन निकलती है। अगर मैं लाइन गिनाने लगूँ तो 5-10 मिनट का समय उसी में लग जाएगा। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए बरौनी से आपको इस हर कोने में, इंडिया के हर कोने में जाने के लिए आपको यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। गरम है ना डोसा? है ठंडा है? ठंडा बेकार है। वो कितना बोल रहा था? 50 रुपये और ठंडा था। शुभम भाई ने 30 रुपये की जो पूड़ी और सब्जी ली है, और कि मैंने बहुत बार ट्राई किया है पहले बरौनी में, आप भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा रहता है। अब देख रहे हैं अभी अंदर आए, अभी धीरे एसी चल रहा है तो थोड़ा सा राहत मिलेगा। खगड़िया से निकलते हैं, आपके सामने आपका डिनर आ जाएगा। जी हाँ, डिनर हमने पैंट्री कार से लिया है। बाकी आप दाल देख लो, दोपहर का खाना सही था, और रात का भी देख रहा हूँ दाल सही लग रहा है। यहाँ तक टेस्ट की बात करें ना, ठीक है। शायद मे भी मटर पनीर की सब्जी है। खोल भाई, सुबह अनबॉक्स कर। कुछ पनीर के टुकड़े थे, कुछ आलू है, और राजमा है। राजमा चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फिलहाल भाई ट्रेन पहुंच चुकी है जी हाँ NJP। रात के 10:50 पर टाइम था, ट्रेन 4 घंटे लेट। रात के 2:10 पहुंची है जी हाँ NJP मैं फिरोजपुर कैंट से। अप्रॉक्स 1893 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं बाकी भाई। और यहाँ पे भी देखा बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पे उतरे हैं, और बहुत सारे ट्रेन में बोर्ड भी किए हैं। फिलहाल हमने अपने लिए चाय खोजे भाई, दो तो हमारे सुबह भाई को चाय पीने की तलब हुई, तो हम लोग भाई उतरे हैं प्लेटफॉर्म पे। नॉर्थ ईस्ट में और खास कर NJP या सिलीगुड़ी, यहाँ पे 11 टी जरूर पीजिए, ताकि 11 टी बहुत अच्छा रहता है। खगड़िया से निकलते हैं, आपके सामने आपका डिनर आ जाएगा जी हाँ। डिनर हमने पैंट्री कार में मंगाया है, पैंट्री कार से ही लिया है। बाकी आप दाल देख लो, दोपहर का खाना सही था, और रात का भी देख रहा हूँ दाल सही लग रहा है। यहाँ तक टेस्ट की बात करें ना,
ठीक है, तो पहले में तो गर्म था, ये भी तो गर्म है लेकिन उतना गर्म नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे देख रहे हैं शायद में भी मटर पनीर की सब्जी है। खोल भाई सुबह अनबॉक्स कर। और सब्जी ओवरऑल क्या, ओवरऑल क्या है ना, सब्जी सही है और बाकी मिली है। दोपहर पराठे मिले थे, अभी मिली है, अभी दो पराठे हैं, साथ में राइस है, दाल है और मटर पनीर की सब्जी। दादा चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कैसा लग रहा है खाना, कैसा लग रहा है? ठीक है ना? ठीक है, ठीक ही है, बढ़िया है। चलिए इसको फिनिश करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं आप। सॉरी, ये जो मैं सब्जी बोला था ना, मटर पनीर नहीं है, कुछ पनीर के टुकड़े थे, कुछ आलू है और राजमा है, राजमा। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब फिलहाल भाई ट्रेन पहुंच चुकी है जी हाँ NJP, रात के 10:50 पर टाइम था, ट्रेन 4 घंटे लेट, यानी रात के 2 बजे ट्रेन 4 घंटे लेट रात के 2:10 पर पहुंची है जी हाँ NJP। और हम लोग ने फिरोजपुर कैंट से अप्रॉक्स 1893 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। बाकी भाई और यहाँ पर देखा बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पे उतरे हैं और बहुत सारे ट्रेन में बोर्ड भी किए हैं। फिलहाल हमने अपने लिए चाय खोजे, एक भाई दो दे दे दो तो हमारे सुबह भाई को चाय पीने की तलब हुई तो हम लोग भाई उतरे हैं प्लेटफॉर्म पर। ठीक ही है, वैसे बता दूं अगर आप NJP इधर आते हैं ना तो इधर क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में अब नॉर्थ ईस्ट में और खासकर NJP या सिलीगुड़ी यहाँ पे 11 टी जरूर पीजिए, ताकि 11 टी बहुत अच्छा रहता है। गुड मॉर्निंग और डे 3 में आप सभी का स्वागत है और हम लोग पहुँचने वाले न्यू बंगाईगांव जंक्शन।